सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हाय गाइस, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को मैनुअल लॉन्जरोटे के बारे में बोलूँगा कि वो अपना ISL का सीज़न 5 कौन सी टीम से खेलेंगे। फिलहाल ISL के सीज़न 4 में मैनुअल लॉन्जरोटे का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने 19 मैचेस में 6 असिस्ट और 13 गोल स्कोर किए हैं। मैनुअल लॉन्जरोटे जो कि FC गोवा से खेलते थे, वो अभी ISL का सीज़न 5 वो टीम से खेलेंगे जो दो बार चैम्पियन रह चुकी है, और वो टीम है एटलेटिको डी कोलकाता, जिनके अभी नए कोच है स्टीव कपल, जो कि केरला ब्लास्टर्स को फाइनल तक ले गए थे। और हाल ही में ISL के सीज़न 4 में वो जमशेदपुर FC के कोच थे, लेकिन अभी वो ATK के कोच है। मैनुअल लॉन्जरोटे ने FC गोवा क्यों छोड़ा, क्या ये बात आपको पता है? तो FC गोवा छोड़ने की वजह उनके टीम मैनेजमेंट और उनके जो कि कोच थे सर्जियो लोबेरा, उनके साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने FC गोवा छोड़ने का निर्णय ले लिया। अगर मैं जो इस वीडियो में बोल रहा हूँ अगर ये आपको फेक लग रही है, तो आप मैनुअल लॉन्जरोटे के इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ पोस्ट किया था कि उन्होंने FC गोवा क्यों छोड़ा। उसके बाद भी अगर ये बात आपको फेक लग रही है तो मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप ये बात जान सकते हैं कि मैनुअल लॉन्जरोटे ने FC गोवा क्यों छोड़ा और मैं झूठ बोल रहा हो या सच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।